प्रणाम सुंदर भैया, तरन का आवाज सुनते ही रेडी कर दिए थे। कार्य कैसे? क्या टेंशन है बाजार समिति भवन का टेंडर में? कुछ नहीं भैया, वही पुराना राग, खुमचा फेरी वाला सब यूनियन बना के टेंडर भरा है, बिल्डिंग बनाएगा। माधर जात, कितना चूना डाला रे बंशी, मुंह कट गया साला। थूक दीजिए सरकार, दूसरा तैयार कर देते हैं। तुम पहुंचो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में, टेंडर का टाइम हो गया है। काहे गला फाड़ रहे हो? ये इंजीनियर बहुत कानून बतिया रहा है साला। यूनियन का टेंडर है 27,56,000 और दूसरा टेंडर है 30,35,000 और इस भवन का ठेका दिया जाता है सुंदर कंस्ट्रक्शन को। लगाइए मोहर। देखिए ये जायज नहीं है। जो बोला है वो करो इंजीनियर, नहीं तो आपको बना देंगे हम टोटल नाजायज, समझे? देखिए हम ये नहीं कर सकते। जब से जयपुर ज्वाइन किया है तब से देख रहे तुम्हारा नौटंकी, बात कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ोगे? मदर जात, बात समझ में नहीं आता है? तेजपुर में तुम्हारी चलेगा। याद रखना, सुंदर कंस्ट्रक्शन। रविदास, मैंने ही फोन किया था आपको, यहां से अखबार निकालता हूं, तेजपुर एक्सप्रेस। एक्सरे निकाला है, बायां पसली में चोट जरा ज्यादा है। आपने पुलिस को स्टेटमेंट देने से मना क्यों कर दिया? एक्सीडेंट हो गया था एसपी साहब, अब उसमें पुलिस कंप्लेंट क्या करना? देखिए अगर आप ही पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं एसपी साहब, हम सीढ़ी पर से गिर गए थे। खान, इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम करो और कोशिश करो इनसे बात करने की। सर। और देखिए जब भी आप बात करना चाहें या स्टेटमेंट देना चाहें बेहिचक मेरे पास आइए। दर्द में कुछ कमी आई? सर यह एक्सीडेंट की चोट नहीं है, मुझे सही रिपोर्ट चाहिए। सर। अरे संपादक जी, काहे ओवर टाइम कर रहे हैं? जाने दीजिए साहब को, अभी तो सेटल भी नहीं हुए ठीक से। ये सेटल होने वाले साहब तो नहीं लगते भूरेलाल जी। जितने भी केस सुंदर यादव के खिलाफ हैं, उन सब की रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर। मैं अमित कुमार, यहाँ का एसपी। जी। आपकी बेटी के बारे में बात करने आया हूँ। वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? हमारे रिश्तेदारों के यहाँ गई है। ओ, हमारे भाई लोग हैं गुजरात और राजस्थान में, वहीं गई है। आप सुंदर यादव को जानती हैं? नहीं, हम किसी सुंदर यादव को नहीं जानते, हमने कोई कंप्लेन नहीं किया है। अरे क्यों साहब से गलत सलत बोल रहे हैं आप? हम कहाँ गलत सलत बोल रहे हैं, बोल दिया ना, कुछ नहीं कहना हमको, आप लोग जाइए बस। अरे मान, कोई जबरदस्ती नहीं है। माँ झूठ बोलती है। रवि, झूठ बोलती है माँ। मैं जानता हूं रवि, लेकिन वो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए झूठ बोल रही है।
वो डरती है कि तुम्हारी दीदी के साथ साथ सुंदर यादव कहीं तुम्हें भी। वो माँ है ना, इसलिए डरती है। मैं उसका यही डर तो दूर करने आया हूं, लेकिन वो मेरा विश्वास ही नहीं करती। आप मेरी दीदी को ला देंगे ना? जरूर ला दूंगा, अगर तुम्हारी माँ चाहे तब। क्या करें, अब बोलिए, अकेला औरत लाचार, बेटी को तो ले गया, कुमार देने का धमकी दिया है, पुलिस वालों का क्या भरोसा, बिरादरी का भी कोई सामने नहीं आता। आप बस रिपोर्ट लिखा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। चलो चलो, मुश्किल करेगा इस साला साहब। मैं साहब को खबर करता हूँ, तुम कोतवाली तिवारी को फोन करके और फोर्स मंगवाओ। गेट खोलो मुन्ना ठाकुर, बवाल मत खड़ा करो। ऑर्डर नहीं है साधु बाबा का। काहे इतना हल्ला हो रहा है गेट पर? नया नौटंकी आया है टाउन। क्या बात है सर? गेट नहीं खोल रहे। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरेस्ट करो। घेर लो चारों तरफ से। उधर से जा, सर्च करो और निकाल के लाओ सुंदर यादव को। बहुत जल्दी में है लगता है। उधर देख। अरे बैठिए ना। सुंदर यादव कहाँ है? बहुत भोला बनते हैं आप भी। अरे इतना टाइम बैठ के आपका वेट करेगा? उधर आपने अरेस्ट का ऑर्डर किया, इधर आप ही के हेडक्वार्टर से हमको भी फोन आ गया। सर वो निकल गया सर। सॉरी, आपका काम नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम पधारे हमारे गरीब खाना पर, चाह तो पी के जाइए, अच्छा बनाती है हमारी वाइफ। किसने कह दिया आपसे कि हम यहां से जा रहे हैं? 24 घंटे हमारे आदमी यहां रहेंगे, उनकी इजाजत के बिना आप हिल भी नहीं सकते। तो आप हमको घर में अरेस्ट कर रहे हैं? अब तो आप बस देखते चाहिए हम आपके साथ क्या करते हैं। कुछ नहीं कर पाओगे इस भी, तुमने जैसे कई आए और गए, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सके। इस गलतफहमी में मत रहना साधु यादव, जब जिस दिन जरूरत पड़ी घसीट के कोतवाली लेके जाएंगे। और याद रखना, हमारी चाय बहुत कड़वी होती है। Fine.
होगा बाबूजी? पता नहीं बेटा। सर प्लीज हमको एक्शन लेने दीजिए, हमारा रिपोर्ट पक्का है, आदमी जिला के बाहर का था। तुम ऑफ ड्यूटी हो बच्चा यादव, अपना रिपोर्ट तिवारी को दे दो। ड्यूटी बाद में देखा जाएगा, ई साहब पर अटैक का मामला है सर। ज्यादा उत्तेजित होने का जरूरत नहीं है बच्चा यादव, यहाँ बहुत सारे काबिल अफसर लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट एक आपकी वजह से नहीं चल रहा है, समझे? सर तो हमको फिर सस्पेंड का नहीं कर देते? वो हमारे पावर में नहीं है। ज्यादा लेफ्ट राइट करने का कोशिश भी मत कीजिएगा, आप ड्यूटी पे नहीं है, आप जा सकते हैं। साहेब को देखने आए थे, अभी सो रहे हैं। ठीक है, प्रणाम। क्या बात है? अब बर्दाश्त नहीं होता सर, ऐसे जिंदा नहीं रह सकते सर। कोर्ट मार्शल कर दीजिए, नहीं तो एक चांस दीजिए। घर से बाहर तक जितना आंख उतना सवाल, और हमारे पास एक जवाब नहीं है सर। हमसे गलती हुआ है, मगर हम गलत आदमी नहीं है सर। सीना ठोक के नौकरी की आज तक कोई माइकल लाल एक नया पैसा का इल्जाम नहीं लगा सकता। बस एक चांस दीजिए सर, अब ड्यूटी में कोई डिफेक्ट निकले तो उसी टाइम रिजाइन ले लीजिएगा। उठा लो फाइलें। अगर तुम जानते हो कि वो गलत है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? एक रिस्क ले रहा हूं, मुझे लगता है कि बच्चा यादव अंदर से गलत आदमी नहीं है। भरोसा कर सकते हो उस पर? पता नहीं, लेकिन एक मौका जरूर दूंगा उसे। पिडांबा, क्या बात है बच्चा, सब ठीक तो है? पुलिस को पता चल गया है, फौरन निकाल लूंगा सुंदर भाई को। सुन, तू खुद चला जा भवानीपुर, उसको बॉर्डर पार करा दे। जी बाबा। प्रणाम।